बीते रोज शाहजहांपुर में एक बड़ा हादसा होते होते टला। यहां के मिर्जापुर थाना इलाके में बना 2 किलोमीटर लंबा कोलाघाट पुल देर रात अचानक ढह गया। हादसे के वक्त पुल से कार भी गुजर रही थी जिसमें 5 लोग सवार थे, लेकिन गनीमत रही कि कार में सवार सभी को मामूली चोटें आई हैं, किसी की भी जान का नुकसान नहीं हुआ है। बहगुल नदी में बने इस पुल के गिरने से शाहजहांपुर से बदायूं जाने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि इस पुल की नींव 1992 में समाजवादी पार्टी के प्रमुख मुलायम सिंह यादव ने रखी थी, लेकिन इसका उद्घाटन 17 साल बाद यानी 2009 में मायावती के हाथों से हुआ था। पूरे 17 साल बाद बनकर तैयार हुए इस पुल को इतनी मजबूती से बनाया गया कि महज ये तीसरी सरकार के कार्यकाल में ही ढह गया, यानी महज 12 साल में ही ये पुल 2 टुकड़ों में टूट कर गिर गया। दरअसल 1992 में जब इस पुल का मुलायम सिंह यादव ने शिलान्यास किया, तब उस दौर के कई नेताओं ने पुल को लेकर राजनीति भी शुरू कर दी, जिसके चलते इस पुल का काम ठंडे बस्ते में चला गया। लेकिन 2003 में जब एक बार फिर निर्माण की फाइल खोली गई, 2007 में मुलायम को मात देकर मायावती ने सीएम की कुर्सी संभाली। हालांकि बीएसपी सुप्रीमो ने इस निर्माण काम को जारी रखा, जिसके बाद आखिरकार 3 साल बाद ये पुल बनकर तैयार हो गया और 2009 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने लखनऊ में इसका उद्घाटन किया। खैर, जितना वक्त इस पुल के बनने में लगा, ये पुल उतने साल भी खड़ा नहीं रह सका। इस पुल की हालत इतनी जर्जर हो गई थी कि 6 अक्टूबर से 22 नवंबर तक इस पुल पर मरम्मत का काम चला, लेकिन बावजूद इसके ये पुल नहीं टिक सका। हादसे के चलते शाहजहांपुर दिल्ली हाईवे पर आवाजाही पूरी तरीके से ठप पड़ गई, लिहाजा शाहजहांपुर से दिल्ली जाने के लिए लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।